बनाएंगे हम साबुत मूंग की नमकीन। इसके लिए हमें साबुत मूंग 6-7 घंटे के लिए भिगो दिए थे, फिर उसका धोकर पानी निकाल लें और उसे कपड़े में फैला दें। जब सूख जाए फिर इसको फ्राई करना है। ये हमने फैला दिए थे, अब ये सूख चुके हैं। इसके लिए हमें 1 चम्मच मिर्च पाउडर, नमक और काली मिर्च पिसी हुई चाहिए। छोले मसाला हो या कोई मसाला आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम मूंग फ्राई करेंगे। अब हमारे मूंग फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हमें निकालना है। इस तरह से सारे मूंग निकाल लें। इसको हम इस तरह से रख देंगे जब तक थोड़ा तेल निकल जाए। अब हमारे मूंग फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हमें नमक, मिर्ची पाउडर और काली मिर्च, चाहे तो खटाई और हींग भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब भिगाएं तब इसको सोडा जरूर डालें, बेकिंग पाउडर, जब मूंग भिगोएं। प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।